हे गाइस, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्या आपको पता है Amazon भी आपको दे रहा है पूरे 60,000 रुपए तक का लोन बिना ब्याज के। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना। आज की इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर आपको समझ आ गया होगा कि आज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा Amazon से आप कैसे ले सकते हैं पूरे 60,000 रुपए तक का लोन बिना ब्याज के। जी हाँ गाइस, बिना ब्याज के आपको यहाँ पर केवल आधार EKYC करके मिल सकता है पूरे 60,000 रुपए तक का लोन। Amazon पर चल रहा है द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, ये आप सभी को पता है गाइस, और फेस्टिवल सीजन भी चल रही है। कंपनी आपको यहां पर ऑफर कर रही है तरह तरह के लोन के लिए। तो गाइज Amazon भी आपको यहां पर 60,000 रुपए तक का लोन दे रहा है। ये लोन लेने के लिए आपको क्या करना होगा सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा, वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, पहली बार ये वीडियो देखे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चले गाइज देखते हैं कैसे लेते हैं Amazon से पूरे 60,000 रुपए तक का लोन और कैसे इसको यूज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस अगर आप लेना चाहते हैं Amazon से 60,000 रुपए तक का लोन, उसके लिए एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगी जिसका नाम है NDB फाइनेंशियल न्यूज। यहां पर आपको Amazon से लोन लेने के लिए अप्लाई का बटन दिखाई देगा जहां से आप Amazon लोन को अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा अप्लाई नाउ का टैब, आप यहां पर देख सकते हैं अप्लाई नाउ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं Amazon लोन के लिए। अप्लाई आप अभी कभी कर सकते हैं, मैं आपको पहले बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे अप्लाई करना है, किसको ये मिलेगा लोन, किसको नहीं मिलेगा और कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको पहले बताऊंगा, बाद में बताऊंगा आपने किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखाई देने वाला है वेबसाइट का, और आप यहां पर देख सकते हैं Amazon पे लेटर लोन, यानी आपको Amazon दे रहा है 60,000 रुपए तक का लोन जो आप ले सकते हैं आसान किस्तों में पूरे 3 महीने से लेकर 12 महीने तक के लिए। आप यहां पर देख सकते हैं गाइस, यहां पर ये बोले भाई त्योहारों का सीजन चल रहा है और Amazon पर द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है, जहां पर आपको अगर मिलता है 60,000 रुपए तक का लोन तो आप आसान किस्तों में कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल फोन हो गया, जो भी प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं। आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो आप ले सकते हैं Amazon से लोन और उस लोन को यूज करके आप उस प्रोडक्ट को ले सकते हैं 3 महीने से लेकर 12 महीने तक के लिए आसान किस्तों पर, आपको यहां पर ये मिल जाएगा। साथ ही आपको यहां पर नो कॉस्ट EMI पर भी प्रोडक्ट मिल जाएंगे, यानी बिना क्रेडिट कार्ड के आपको यहां पर ये लोन मिलने वाला है। Amazon पे लेटर है क्या? तो गाइस यहां पर मैंने बता रखा भाई Amazon पे लेटर आपको यहां पर एक लिमिट मिलेगी Amazon पर जो आप ले सकते हैं केवल आधार EKYC करके, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपके Amazon अकाउंट को फुल्ली KYC होना चाहिए, यानी Amazon का जो आपका अकाउंट है उसको आपने फुल KYC कर रखा हो और अपने Amazon अकाउंट के अंदर आपने Amazon पे को एक्टिवेट कर रखा हो तो आपको यहाँ पर Amazon पे लेटर भी मिल सकता है। यहाँ पर आपको लिमिट मिल सकती है 5,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए के बीच में, यानी आपको मिनिमम 5,000 मैक्सिमम 60,000 रुपए तक की लिमिट मिल सकती है। यहाँ पर इन्होंने छोटे से डेमो के तौर पर बता भी रखा है कि भाई अगर आपको मिलती है 10,000 रुपए की लिमिट तो आप इसको 1 महीने के लिए यूज कर सकते हैं, हर महीने आपको इसका पेमेंट करना होगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर मिलती है 3,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए की लिमिट तो गाइज आप इसको 3 महीने के लिए यूज कर सकते हैं, आसान इंस्टॉलमेंट में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। गाइज अगर आपको यहाँ पर मिलती है 6,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए तक की लिमिट तो आप इसको 6 महीने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मिलती है 9,000 की लिमिट तो आप 9 महीने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, 12 महीने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। Amazon पे लेटर के बारे में पूरी डिटेल यहाँ पर बता रखी है, अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर देखो तो गाइज यहाँ पर उन्होंने बता रखा है भाई Amazon पे लेटर को आप किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर क्या देने होंगे। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर सुन लीजिए डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर क्या देने हैं। गाइज मैं आपको यहाँ पर बता दूं, इन्होंने यहाँ पर यही बता रखा है कि डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ पर केवल और केवल आधार कार्ड देना होगा, पैन कार्ड देना होगा, इसके लिए आपको यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। आधार कार्ड पैन कार्ड देकर आपको ये लिमिट मिल जाएगी, यानी आपको केवल यहाँ पर आधार EKYC करनी है और आपकी लिमिट जो है ये एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए गाइस या तो आप Amazon पे लेटर रजिस्ट्रेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो ऑरेंज कलर का हो रहा है, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर नीचे उन्होंने दिखा रखा भाई अप्लाई नो पर क्लिक कर लीजिए और Amazon पे लेटर को आपने एक्टिवेट कर लेना। गाइस अब मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ, Amazon पे लेटर सभी को नहीं मिल रहा है,
Amazon देख रहा है कुछ खास कस्टमर को ये लिमिट दे रहा है Amazon पे लेटर की। अगर आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं Amazon को, शॉपिंग करते हैं Amazon से बहुत ज्यादा, तो हो सकता है आपको ये लिमिट अभी तक मिल गई हो। अगर आपको नहीं मिली तो सिंपली आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। गाइस जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। गाइज जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, पेज आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पर ये ओपन कर रखा है अपने पीसी के अंदर, तो यहाँ पर ये बोले कि भाई सॉरी, अभी जो ये Amazon पे लेटर है ये अवेलेबल है केवल मोबाइल फोन के लिए। यानी अगर आप अपनी मोबाइल फोन के अंदर एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं Amazon की, तो आपको Amazon पे लेटर मिल जाएगा आपके मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। यानी आप इसको केवल अपने मोबाइल से ही एक्टिवेट कर सकते हैं, पीसी के अंदर अभी ये अवेलेबल नहीं है। तो गाइज अगर आप Amazon पे लेटर को एक्टिवेट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन से ही ओपन करना होगा उस अप्लाई नाउ पर क्लिक करके इस पेज को, और यहाँ पर आपको Amazon पे लेटर रजिस्ट्रेशन करने का पेज मिल जाएगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, Amazon पे लेटर को एक्टिवेट कर लेना है। 60,000 रुपए तक की लिमिट अगर आपको मिलती है, उससे आप यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं आसान किस्तों पर, ठीक है। और आपको ये पूरे एक महीने तक के लिए बिना ब्याज के मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइज अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर कंप्लीट स्टेप वीडियो बनाऊं, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर आप जो है अकाउंट बना सकते हैं, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट्स करना होगा, बताना होगा क्या आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो बनाना, जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट स्टेप बताऊं किस तरीके से आप Amazon पे लेटर को एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर केवल न्यूज दे रहा हूँ कि भाई अगर आपको नहीं पता है Amazon के अंदर भी लोन मिलता है, तो आप जो है Amazon से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अप्लाई का बटन आपको केवल वहां पर दिखाई देगा, वहां पर जाकर अप्लाई करना है। अपने मोबाइल फोन से ही आपने उसको ओपन करना है, और अपने मोबाइल फोन से ही आपको Amazon पे लेटर को एक्टिवेट करना होगा। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले भी इतना ही वीडियो, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।